अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और कैसे हैं आप लोग? जुमा मुबारक तो आप दिए नहीं, तो संडे मुबारक दे दी। जुमा मुबारक, संडे मेरे लिए जुमा है। A few hours later. हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चार बज गए फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ किचन में और अभी डिनर बना लूँ, उसके बाद फिर इफ्तार वगैरह बनाऊंगी। और आज कुछ भी मतलब कटिंग फटेंगे पहले सारे काम करूंगी, जो भी जैसे ऑनियन वगैरह चॉप करने होंगे, मिक्सर ग्राइंडर में मसाले वगैरह जो भी ग्राइंड करने होंगे सारी चीजें करनी होगी, उसके बाद डिनर में हाथ लगाऊंगी। तो जा रही हूँ सारी चीजों का प्रिपरेशन कर लेने। आज डिनर में बना रही हूँ स्टीम राइस और उसके साथ आलू कोफ्ता बना रही हूँ, तो वो बनेगा। और इफ्तार में वही जो हमेशा का बनता है, चना चूड़ा कचरी, ये सब वही सब बनेगा, क्योंकि शाम ये सब चीज ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और एक चीज से हो गई ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स, दो दिन से हमारा फ्रिज हो गया खराब। जो फ्रिज चेक करने आया वो उन्होंने बताया फ्रेंड्स कि फ्रिज का कंप्रेसर जल गया, तो उसमें लंबा चौड़ा खर्च लगेगा, मतलब लंबा चौड़ा खर्च आ रहा है। सो वो हेडेक बना हुआ है। फ्रिज में बहुत सारी ऐसी चीजें थी फ्रेंड जो मैं स्टोर करके थी, क्योंकि अचानक से खराब हुआ, हमें तो पहले से पता नहीं ना थी, तो फ्रिज में छोटी मोटी चीजें रह ही रही थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों का, हालांकि मैंने जल्दी जल्दी बना के दो दिन के अंदर में यूज भी किया, बाकी चीज जैसे मसाले वगैरह थोड़ी ये हो रहे हैं, तो जितना मैं अभी यूज कर पाऊंगी बाकी तो सारे खराब ही हो जाएंगे फ्रेंड्स। और दूसरी चीज ये कि फिर आज फिर से शाम एक जगह और पता करने गए, एक और मिस्त्री है फ्रिज बनाने वाले, उनको मतलब बोले तो वो आएंगे शाम में, तो वो अब क्या बताते हैं, मतलब थोड़ा रेट हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई ज्यादा तो नहीं ले रहा, हम लोग कोशिश है कब में बन जाए। एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब जला इसलिए फ्रेंड्स कि अब मैं आप लोगों को कई दिन पहले ब्लॉग में देखे थे ना, आप लोग लाइट ऑन ऑफ कर रहा था, पावर ऑन ऑफ कर रहा था, उस वजह से जल गया। तो डे में अगर ऑन ऑफ करता तो हम लोग तो फ्रिज बंद कर देते, वही होता कि नाइट में हम लोग सो गए और उस टाइम में नाइट में भी पावर का प्रॉब्लम हुआ तो वो रह जाता है, तो इसी वजह से जो है जल गया फ्रिज का ये कंप्रेसर। तो बस उसमें आप लोग को पता होगा कि कंप्रेसर जलने से कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है और उसमें अच्छा खासा खर्चा आता है, तो वही चीजों का बहुत ज्यादा हेडेक बना हुआ है सुबह से क्या दो दिन से फ्रेंड्स उसी चीज का काफी ये बना हुआ है। जाती हूँ अब जल्दी से जो है ना सारी चीजों की तैयारी करूँ। चार ऑलरेडी बज चुके हैं और आपसे बात करते करते एक दो मिनट और बढ़ ही गया। बाकी देखिए फ्रिज की बहुत सारी सामान चीजें निकाल करके मैं ऊपर में रखी हुई हूँ, जैसे डब्बे वगैरह कुछ चीजें थी और गाजर वगैरह रखे हुए थे, खीरा जैसे कि मैं गई थी तो 1 kg डायरेक्ट ले आई थी कि धीरे धीरे चलता रहेगा, वो खराब हो गए हैं। गाजर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, गाजर को अभी मैंने जो खराब थे उस पीस को कट किया है, बाकी ये देखिए कैसे हो गए हैं। टमाटर सर गए, मतलब दो दिन के अंदर में सारी चीजें खराब होनी शुरू हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स यहाँ और ये फ्रिज खराब हुआ। और सारी चीजें मैं गई थी मार्केट तो थोड़ा ज्यादा करके ले आई थी, ये सोच करके कि फ्रिज है अपना उसमें रख दूंगी आराम से चीजें यूज होती रहेगी, लेकिन इत्तफाकन फ्रिज खराब हो गया, किसको पता था इस चीज का तो हो गया। तो ये कीमा आकर के रखा हुआ है हमारा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जा रही हूँ मार्केट से, जब कीमा आता है ना फ्रेंड्स तो वो थोड़ा मोटा मोटा रहता है, तो एक बार ना मैं एक स्लोअर मिक्सर ग्राइंडर भी ना ऐसे घुमा देती हूँ तो वो अच्छे से एकदम ये हो जाता है, तो वो कर लूँ और दाल वगैरह पीस लूँ, तुअर दाल। अच्छा कॉमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि तुअर दाल की जो कचरी बनाती है उसका रेसिपी आप जरूर दिखाएं, तो ये देखिए तुअर दाल है, इसको मैंने 2 बजे के करीब ना सोख करने डाला है, ये बहुत जल्दी सोख हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत एकदम ऐसा सुबह से नहीं डालती, मैंने 2 बजे के करीब डाला है। अब बस इसको मैं पीसूंगी फ्रेंड्स, 4-5 पीस ग्रीन चिली ले लूंगी और दाल डाल करके उसको एक साथ पीस लूंगी, बाकी की फिर चीजें मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो चलिए पहले सारी चीजें कर लेती हूँ फिर मैं ब्लॉग करूंगी। चॉपिंग वगैरह की सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, मैंने कर लिया था ऑनियन वगैरह और ग्रीन चिली वगैरह धनिया पत्ती ये सब चीजें चॉप करनी थी, सारे को हमने कर लिया था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इस साइड वाले चूल्हे पे सारी चीजें यानी कोफ्ते आलू बनाऊंगी और इफ्तार की तैयारी करूंगी, तो मैं सोची कि उस तरफ के गैस पे ना मैं जब तक राइस चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि हमें स्टीम राइस ही बनाना, तो वो धीमी धीमी आँच पे जब तक हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग का मतलब इफ्तारी के बाद लेट से ही हम लोग डिनर करते हैं, बहुत लेट हो जाता है, कभी 12 कभी 12:30 कभी 1 भी बज जाते हैं ऐसे, एक तो अभी खैर ज्यादा नहीं बजे हैं बट वही 12:30 हो ही जाते हैं डिनर करते करते फ्रेंड्स। तो वहां पे हमने एक तरफ ये चढ़ा दिया राइस और दूसरी तरफ मैं ना क्योंकि शाम की फरमाइश थी कि चूरा चना भी बनेगा, तो क्योंकि वो बहुत शौक से खाते हैं, हालांकि अब इतने रमजान हो गए तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, किसी दिन एकाक स्पून मैं खाई तो खाई, मैं नहीं खाती हूँ, शाम ही खाते हैं। और यहाँ पे देखिए चने में कितने अच्छे बड़े बड़े स्प्राउट्स निकल गए, तो इसे तो मैंने अच्छे से धुल के ही स्प्राउट्स निकलने के लिए रखा था, बट फिर भी एक दो बार और धुल ली थी अच्छे से, उसके बाद हमने कुकर में डाल दिया चने को, देन इसमें वही इसका रेड चिली पाउडर टर्मेरिक पाउडर और सॉल्ट, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट
और सारी चीजें डाल करके, ये धनिया पाउडर ये सब डाल करके, और थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी और सीटी लगा लूंगी जो मैं हमेशा की तरह बनाती हूँ। अच्छा, चूरा फ्राई कर रही थी ना, तो उसके लिए जो ऑनियन और ग्रीन चिली हमने फ्राई किया था वो थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ चने में, ताकि अलग से मुझे ना ऐड करना पड़े। और एक ग्रीन चिली भी हमने ऐड कर दिया, बाकी फिर पानी वगैरह डाल के फोर विसल्स ले लेती हूँ। उसके बाद फिर चना एकदम रेडी हो जाता, बस आपको वही सीटी निकाल खोलनी है ढक्कन, और थोड़ा सा दो चार हाथ भून लेना, तो चना मसाला हमारा रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से चूरा फ्राई कर लिया क्योंकि मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा हमेशा से यही होता है फ्रेंड्स कि अगर 10 रमजान भी चले गए ना तो बहुत मुश्किल, मतलब इससे तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ये चना चूरा ये सब खाना। हाँ, फ्राई की हुई चीजें जैसे कचरी वगैरह प्याजू वगैरह थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, बट चना चूरा फिर मैं हाथ भी नहीं लगाती, ऐसा मेरा मन ही नहीं करता। बट शुरू से है कि शैम को ये इतना ज्यादा पसंद है कि पूरे रमजान शैम ये मांगते ही मांगते हैं, तो उनके लिए बनाना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे कोफ्ता जो है ना उसको जो है, सॉरी कोफ्ता बोल रही, कीमा जो शैम लाए थे ना फ्रेंड्स, ये कीमा बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब इसमें फैट इतना ज्यादा था, और रग जो होता है वो वाला कूट करके बना करके दे दिया शैम को दे दिया गया था, तो जिसकी वजह से मैं एकदम बिना मन का, इतनी एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए, जब मैंने अभी देखा तो मेरा मन एकदम बुरा हो गया। बट कोई बात नहीं, इसी को मैं बना रही हूँ। तो हमने इसमें ग्रीन चिली डाल के सबसे पहले कीमा को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था फ्रेंड्स। देन इसमें मैंने डाला है प्याज और जीरा, गोल मिर्च पीस करके पेस्ट, उसके बाद इसमें हमने डाला है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट, और उसके बाद इसमें मैं चॉप करके धनिया पत्ती ऐड कर रही, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया हमने, और ये सारी चीज़ों को ऐड करके इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। ग्रीन चिली स्पेस अगर आपको खड़े और रखने के मना तो आप रखें, तो मैंने खड़े नहीं रख करके फ्रेंड्स जिस टाइम कीमा को मैं एक दो बार ग्राइंड की थी ना, उसी टाइम चार पांच ग्रीन चिली इसमें ग्राइंड कर ली थी मिक्सर ग्राइंड में, तो ये हो गया। इसको अच्छे से मिक्स करना। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना चना का पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा हल्का सा सत्तू ऐड करूंगी, जिससे कोफ्ते ना अच्छे बनते हैं। लेकिन इस कोफ्ते की तो खैर उम्मीद ही मैंने छोड़ दी थी, अभी बस यही था कि टेस्ट तो आएगा, मुझे पता है फ्रेंड टेस्ट पूरा आएगा, बट वो देखने में जो एक अच्छे से चिकने चिकने बनते वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे इतना ज्यादा फैट था फ्रेंड्स, और फैट से भी ज्यादा वो जो नस नस वाली चीजें होती है वो थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने किसी तरह इसको मतलब बनाया है। हालांकि मुझे पता है जैसे ग्रेवी में जाएगा ना ये फट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नस थे और फैट था इस वजह से। तो चलिए, कोफ्ते तो सारे हमने बना लिया फ्रेंड्स, अब इसकी मैं ना ये तैयारी करूंगी, मतलब इसकी ग्रेवी की तैयारी करूंगी, तो चलिए वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। रेसिपी सेम है, बट वही है कि आप ना देख करके गोश्त लाएं, एकदम अच्छे गोश्त लाएं, उसमें फैट और नस बहुत कम हो तब ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने दो तीन लौंग, और उसके बाद दो सिनेमन स्टिक के टुकड़े जीरा डाल करके ऑयल में हमने ना इसको अच्छे से क्रैकल कर लिया था। देन उसके बाद तेजपत्ता भी डाला था, उसके बाद हमने ना इसमें एक बड़े साइज का ऑनियन थे उसको चॉप किया हुआ था उसको हमने डाला। जब वो हल्का सा फ्राई हो गया फ्रेंड्स, तब इसमें मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। देन इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे आपको डालना है फ्रेंड्स, मैंने अलग से ना प्याज का पेस्ट बना लिया था। आप इसमें टमाटर नहीं है घर में, नहीं तो टमाटर का भी प्यूरी पड़ता, बट टमाटर नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा प्याज का ही पेस्ट बना लिया था, इसी से ग्रेवी पूरी बनेगी। सो हमने इसे अब ऐड कर दिया फ्रेंड्स, इसके साथ इस मसाले को अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फिर आप सारे स्पाइसेस ऐड करें, जैसे कि ये भून चुका था तो हमने ऐड किया टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, उसके बाद इसमें कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करना, देन आपको सॉल्ट ऐड करना, उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। जब ये हमारा अच्छे से भून गया था तो थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला था फ्रेंड्स, इसे अच्छे से फिर चलाया था, उसका ढक्कन डाल करके ना मैं इसे उस तरफ वाले लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, आप लोगों ने कहा था कचरी की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो ये देखिए तुअर दाल मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था, तो उसमें चार या पांच ग्रीन चिली ऐड करके हमने इसे ग्राइंड कर लिया। उससे पहले मैं क्या काम करती हूँ, दाल जो होता है फ्रेंड्स, जैसे जो दाल है उसका तीन हिस्सा मैं पीसती हूँ, एक हिस्से को मैं ऐसी खड़ा रहने देती हूँ जो आपने प्याला में देखा, उसमें मिक्स करके फिर मैं बनाती हूँ। इसमें अभी हमने डाला सॉल्ट, और उससे पहले हमने डाला चॉप किए हुए ऑनियन और ग्रीन चिली एक पीस और अलग से, और धनिया पत्ती, और उस सारी चीजों को डाल करके टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सारे सॉल्ट वगैरह डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। देन इसको आपको ऐसे फ्लैट कर करके पतले पतले बनानी, ये ऊपर से इतने, क्योंकि इसमें हमने खड़े दाल छोड़ दिए थे ना फ्रेंड्स, तो ये ऊपर से इतने ज्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी रहेंगे ना कि बहुत देर ठंडा भी हो जाएगा ना, तो नॉर्मली होता ना कि आप ये कचरी वगैरह बनाते हैं तो जब वो ठंडा हो जाता तो बिल्कुल थोड़ा सौगी सौगी हो जाता सॉफ्ट सॉफ्ट, बट ये लंबे टाइम तक आपका एकदम ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगा खाने में, ये इतने मजेदार होते हैं। आप लोग एक बार मेरी तरह जरूर ट्राई करना कि आप ना जितना दाल पीसना ना उसका मतलब तीन हिस्सा दाल को पीसना, एक हिस्सा दाल को खड़े ही रखना और उसको डाल करके बनाना, बहुत ज्यादा यम बनती है। तो अच्छा, कचरी सारी बन के हो गई थी रेडी, इस तरफ कोफ्ते की ग्रेवी भी एकदम भून चुकी है, रेडी हो गई है, तो इसमें हमने अच्छे से थोड़ा सा पानी डाला है। और आलू को मैंने ना फ्राई कर लिया था फ्रेंड्स, चार पीस आलू को मैंने दो दो कट करके चार या पांच पीस आलू का हमने लगाया था, क्योंकि ये सब्जी हमारी
कल तक हो जाएगी, तो ये 2 दिन हमारा आराम से चला जाएगा इसलिए। उसके बाद हल्का सा बॉयल आया था आलू डालने के बाद, हमने अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद सारे कोफ्ते को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कोफ्ते ऐड करके मैं इसमें स्पून अभी नहीं डालूंगी, कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट टूट जाएंगे, तो मैं क्या कम करूंगी ना, सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, हिला लूंगी, जैसे आप फिश को करते हैं वैसे ही मैं करूंगी। आप अलग से कोफ्ता बॉयल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। और इसे ढक करके फिर पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट फ्रेंड्स इसको मैं पकने दूंगी कोफ्ता को अच्छे से, ताकि आलू तो ऐसे ऑयल में ही मेरा अच्छे से गल चुका है, बट वही है कि थोड़ा सा और जो भी उसका बाकी होगा वो और कोफ्ता अच्छे से गल जाएगा। तो 10 मिनट के बाद फिर गैस को बंद करूंगी, उसके बाद ऊपर से धनिया पत्ती रखूंगी फ्रेंड्स। और मेरा सारा चीज तार वगैरह सब टाइम से हो गया है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ अब फ्रेश होने, वजू वगैरह करने। और आप देखिए ये मेरी हालत, पूरा स्किन मेरा रेड रेड हो रखा है इतनी ज्यादा, मतलब एक तो गर्मी है फ्रेंड्स, ऊपर से जो गैस के पास कंटिन्यू खड़ी हूँ तो गैस का पूरा हीट लग रहा है, तो ये देखिए पूरा स्किन मेरा जल रहा है ऐसे, ये देखिए कितना रेड रेड हो रखा है मेरा स्किन। तो बस जा रही हूँ जल्दी से वजू करने फ्रेंड्स। और फल वगैरह सब हमने काट लिया है, बस अब जा रही हूँ पानी, क्योंकि फ्रिज खराब है तो मामी के पास मैंने एक बोतल रख दिया था, तो वहां से पानी ले ले रही हूँ, उसका शरबत भी बना लूंगी। और उसके बाद ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गिलास पहले पकड़े, हमेशा की तरह शाम की ड्यूटी, शरबत रोजाना यही बनाते हैं। नहीं ठंडा है तो ठंडा, लेट करके रखी थी, भूल गई थी ना, थोड़ा और जाएगा। A few hours later. कोफ्ते में अब धनिया पत्ती ऐड कर दे रही हूँ। क्या बोला? नहीं नहीं बोला है, कल आएंगे, फिर कुछ सामान ले गया है दो फल के, आज नहीं बन पाया। नहीं उसका सामान लेकिन नहीं, उसको समझ में बिना देखे हुए समझ में दुकान बंद हो गई बोल रहा है। तो वो क्या बोला, क्या वो जो बोला था पहला जो आया था वही चीज वही प्रॉब्लम है? वो चीज हम इसको थोड़ा ना बोलेंगे पहले, तो अपने साथ चेक करेगा। अच्छा। हमको तो वो बोला है तो उसके बाद तो चलेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। कंप्रेसर का ही प्रॉब्लम है, कंप्रेसर नहीं होगा तो बोलेंगे ठीक करने के लिए, ठीक करके चेक करेगा क्या है। नहीं क्या मुसीबत आ गया बोलो, एक साल में ठीक, एक साल में खराब हो गया, एक साल से पहले ही खराब हो गया। नहीं वो इलेक्ट्रिक जो ऑन ऑफ इतना हो रहा है इस वजह से, पावर की वजह से गया, नहीं तो इतना जल्दी नहीं खराब होता। पानी का थोड़ा क्या बोले ऐसे होगा, कोई नहीं देखिए कल तक कहीं ठीक हो जाए, ठीक तो करवाने आज पीने का मन तो कल बोल रही हूँ। आवर लेटर ठीक आ रहा था, स्टार्ट में था ठीक। पानी की कमी पूरी करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए क्या लाया जा रहा है? स्प्राइट। अभी सबसे पहले की IPL का मैच देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है इसीलिए। वो आपको लगता 5 मिनट के लिए क्यों? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमको पसंद नहीं तो क्या करें हम, अपना जो तुमको पसंद रहता वो ठीक है, हमारा टांग आ रही है। टांग तो नहीं आ रही, मैं कभी भी आपको मना नहीं करती, खुद अपना देखते रहते हैं। मैं अपना पसंद बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू। बस अब खाना पीना खाऊंगी और ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूंगी। अच्छा ये कमेंट लेना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि नगमा तुम ना कुछ और रूटीन दिखाया करो, रोज रोज बोर हो रहे हैं, डिनर और इफ्तार, वही डिनर वही इफ्तार। तो डियर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ मजबूरी होती है, जैसे कि आप लोगों को मेरी हर रेसिपी चाहिए होती है, और रेसिपी की वजह से ब्लॉग जो है ना ऑलरेडी इतना लंबा हो जाता है कि जैसे 6 से 7 8 8 मिनट रेसिपी में ही मेरे ब्लॉग में चले जाते हैं, बाकी जो 5 6 मिनट 7 मिनट बचते हैं तो उसमें मुझे भी कुछ बात करनी होती है, कुछ एक्टिविटी दिखानी होती है, तो बस उन सब चक्करों में जो है ना ब्लॉग, क्योंकि मुझे रहता है कि 15 से 16 मिनट का या 14 से 15 मिनट का ही हमारा ब्लॉग बने, और उसी में मेरे मुझे ना आपको रेसिपी भी सारी शेयर करनी होती है, बाकी सारी चीजें देनी होती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कोई रूटीन वगैरह नहीं होता है फ्रेंड्स। और रही शहरी की बात, तो आप लोगों ने कहा कि शहरी आप क्या करती है नहीं करती है, शहरी भी दिखाया करो, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी शहरी दिखाने का, बट शहरी हकीकत बताए शहरी मैं इसलिए नहीं दिखा पाती थी कि मुझे रहता था कि मैं ब्लॉग का टाइमिंग बचा के रखूं तो मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी, लेकिन आपने कहा शहरी का, तो शहरी भी मैं जरूर दिखाऊंगी। शहरी में मैं कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा शहरी हम लोग नहीं करते, मेरी शुरू की आदत है 2 खजूर खाना और उसके बाद 2 गिलास पहले ब्रश वगैरह करके 2 खजूर खाना, पानी पीना, नमाज पढ़ना, सारी चीज करके सो जाना, ये मेरी रूटीन है। रही शैम की बात, तो शैम पिछली बार जैसे सत्तू वगैरह लेते थे, कभी कुछ नाइट का डिनर बचा रहा तो वो भी कर लेते थे, लेकिन अभी शैम भी क्या कम कर रहे हैं ना कि वो सिर्फ खजूर खा के मेरी तरह पानी पी के वो भी सो रहे हैं, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। हाँ कभी कुछ फल वगैरह अगर उनको बनाना वगैरह खाने का मन रहा है तो एक बनाना लेके एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं।
तो यही रीजन है कि शहरी का ऐसा कुछ रूटीन नहीं रहता, एकदम सिंपल रूटीन रहता है। मैंने ही दिखाती थी और वो भी रीजन नहीं है फ्रेंड्स, रीजन यही था कि रेसिपी आप लोगों को चाहिए होती है, तो इसलिए रेसिपी की वजह से मैं शहरी स्किप कर देती थी, क्योंकि शहरी की रूटीन सारी दिखाऊंगी, फिर इफ्तार की रूटीन, फिर जो हमारा रेसिपी है, तो फिर वो ब्लॉग ना 20 22 23 मिनट का 25 मिनट के भी हो जाएंगे, या ये लगा लो आप आधे घंटे के भी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो है ना मैं स्किप कर रही थी। तो मैं मुझे जहां से समझ में आती है फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ जो मेरी रूटीन है, बट हाँ आप लोग इसी को प्यार दीजिए, इसी को सपोर्ट कीजिए, और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बस जैसा जो मुझे समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, बाकी और मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरी रूटीन में बस यही रहता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, घर, इफ्तार, यही सब रहता है, रेसिपी शेयर करना, मतलब जो एक्टिविटी मेरी मेन रहती है वो कर देती हूँ। हाँ मॉर्निंग से रहती है डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह ये सब, तो उसमें मैं इतना उलझ जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हड़बड़ी में करना पड़ता है, और तो अभी रमजान है इस वजह से मैं ज्यादा उन सब चीजों को शूट करने के चक्कर में नहीं रहती, क्योंकि मैं शूट नहीं करती हूँ तो कम्फर्ट मतलब इसमें होके अपने पूरा हड़बड़ी में सारे काम कर लेती हूँ। शूट करने में आप लोग जो भी मुझे अभी कोई भी देख रहे होंगे जो ब्लॉग वगैरह बनाते होंगे, तो आप लोगों को पता है कि हर एक जगह कैमरा सेटअप करना, एंगल सेटअप करना, ये करना वो करना, उसमें आपका और भी टाइम वेस्ट होता है। मेरा ये रहता है कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी काम अपने फिनिश करूं, सारी चीजें करूं, क्योंकि रमजान का महीना, थोड़ी पढ़ाई वगैरह भी ये भी जरूरी है अच्छे से, और बाकी फिर बच्चों का भी टाइमिंग पहले से बहुत ज्यादा पहले हो गया है, चेंज हो गया है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम रहते हैं फ्रेंड्स अपने घर के काम वगैरह को निपटाने के लिए, एक लिमिटेड टाइम रहते हैं, तो इसलिए ना मैं ज्यादा ब्लॉगिंग वगैरह इधर उधर में नहीं टाइम वेस्ट करती हूँ, डायरेक्ट मैं इफ्तार से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मेरे जो बैच रहते हैं उसके इफ्तार के टाइम से ही ब्लॉगिंग करती हूँ, बस यही रीजन नहीं है। तो सैम का कॉल भी आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो नीचे जाएंगे कुछ भी लेने, तो पता नहीं कितनी बार मुझे कॉल कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं वो। फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, आप लोग अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, हमें ढेर सारा प्यार दें, चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।